Good morning and welcome back to my channel. Welcome back to my another vlog. तुम सब भी बोल दो हाय. हाय. ये है श्वेता, ये है मेरी कजन. हाय. तुम रेडी नहीं थी ना कैमरा के लिए? बिल्कुल भी नहीं. सो ये है मेरी बुआ की बेटी. आप लोगों ने पहले भी मैंने व्लॉग्स में इसे दिखाया है. तो ये मेरी बुआ की बेटी. हेलो. और बाकी सब लोग शिल्पी वहाँ हैं. और अभी हम लोग जा रहे हैं एस्प्लानेड. तो कोलकाता में एस्प्लानेड काफ़ी फेमस शॉपिंग के लिए वो जगह है. आप स्ट्रीट शॉपिंग कह सकते हैं. उसके अलावा भी वो काफ़ी सारे शॉपिंग के लिए वो फेमस है एस्प्लानेड. तो बस वहीं एस्प्लानेड जा रहे हैं हम लोग. और आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक मिनट कैमरा स्टैंड को मैं यहाँ रख देती हूँ. आज मैं 1000 रुपये में का एक शॉपिंग चैलेंज वीडियो करने वाली हूँ. मतलब 1000 रुपी में मैं शॉपिंग करने वाली हूँ एस्प्लानेड में. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने पहली बार ऐसा कोई वीडियो मैं कर रही हूँ, तो एक चैलेंज वीडियो है. ये मेरी दी का बेटा है. सो चलिए चलते हैं एस्प्लानेड. हेलो. सो फाइनली एस्प्लानेड में आ गई हूँ और जा रहे हैं ऑल द वे टू शॉपिंग करने. वो भी 1000 रुपी का ये चैलेंज है. और मैं क्या बताऊँ, आई लव दिस प्लेस. आई कैसे बताऊँ, आई जस्ट लव दिस प्लेस. मुझे बहुत पसंद है. मैं आ रही हूँ यहाँ पे 3.5 ईयर्स के बाद. आपको जो फोन किया, मैं आई थी यहाँ पे अपनी शादी के पहले. और अभी 3.5 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ इस प्लानेट. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. तो चलिए चल वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वो नहीं मिलेगा अंकल, घूमने से कोई लाभ नहीं है आपको. लास्ट कर दीजिएगा, वो नहीं मिलेगा अंकल जी. बात करो. तो ये है न्यू मार्केट वाला एरिया. और यहाँ पे पर्स बहुत ही अच्छा मिलता है. बहुत ही अच्छे अच्छे आपको यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी. इयर रिंग, पर्स और भी बहुत सारी चीज़ें. तो अगर आप कोलकाता आएँ तो एस्प्लानेड ज़रूर आइएगा. और देखिए आप कितने अच्छे पर्स थे. बट मेरे पास ऑलरेडी मैं ले रही हूँ यहाँ से इयर रिंग. मैंने ले लिया है और ये 200 का जस्ट न्यू मार्केट के नीचे है ये स्टोर. आप ज़रूर आइएगा. और एस्प्लानेड में ऑलवेज इतना ही क्राउड रहता है. हेयर बैंड बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे मिलते हैं, क्लचर, रबर बैंड. तो मैंने यहाँ से 2 हेयर बैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. इमिटेशन के जो ज्वेलरीज होते हैं, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था. मेटालिक वाले जो ज्वेलरी थे वो भी बहुत ही अच्छे थे. इसको निकाल के दिखा दीजिए, ब्लू ब्लू वाले को.
इसकी प्राइस क्या है? वही सेम प्राइस। तो अगर आप लोग न्यू मार्केट आ रहे हैं तो मान्यवर के नीचे ये जो स्टोर है यहाँ पे बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक स्टाइल के कुर्ती मिलते हैं, आप लोग जरूर आइएगा। चलिए थैंक यू मैम, एक और दे दीजिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कलेक्शन होता है, वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कुर्ती कितना सुंदर है। सो प्लीज आप लोग स्टोर में आइएगा, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू दीदी। ये 250 का है। Esplanade में काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे एथनिक वेयर बहुत ही अच्छा मिलता है। मतलब मेरे शादी से पहले मैं ऑलवेज यहीं आती थी एथनिक वेयर के लिए। ट्रेजर आइलैंड है एक स्टोर का नाम, वो देन बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको एथनिक वेयर मिल जाएगा। और स्ट्रीट शॉपिंग तो मुझे बहुत पसंद है, और जिन लोगों को भी स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है वो ज़रूर आएँ Esplanade में। Esplanade में न्यू मार्केट है और अंदर में एक हॉग मार्केट भी है, बहुत ही पुराना मार्केट है वो, ब्रिटिश के टाइम से ये मार्केट है। तो काफ़ी सारे चीज़ मिलते हैं आपको, कुछ न्यू डिफरेंट यूनिक चीज़ें भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है यहाँ पर। पर्स देख रहे हैं, हैंडबैग देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसे कहते हैं शांति निकेतन लेदर बैग्स। ये बंगाल में फेमस है, कोलकाता में फेमस है ये शांति निकेतन, और उसके सराउंडिंग विलेजेस में ये वाला जो बैग है ये बनता है, बहुत ही फेमस है ये कोलकाता का। और यहाँ आपको वैरायटीज़ ऑफ सूट या सलवार कमीज़ के जो पीसेज होते हैं ना वो मिल जाएगा आपको, जो थान के कपड़े होते हैं ना वो आपको मिल जाएगा। शूज़ और जूतियों के काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। ये 150 का ये जूती मिल रहा था, काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी थे ये सारे कलरफुल 150 में मिल रहा था। Hello, so finally I'm back.
मैंने जाते समय भी शूट किया था और अगेन सेम प्लेस. तो यस आई एम फाइनली बैक. काफ़ी टायरिंग रहा ये पूरा दिन, बहुत ज़्यादा टायरिंग था. और मैंने काफ़ी सारा शॉपिंग किया है. 1000 रुपये का ये जो शॉपिंग चैलेंज था, ये एक्चुअली ये हुआ वहाँ जाके कि मैंने 1000 रुपये से ज़्यादा शॉपिंग कर लिया. होता है ना, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग प्लान करके जाते होंगे हाँ इतना ही खरीदना है, बट उससे ज़्यादा ही कुछ कुछ खरीद लेते हैं. तो मेरे साथ भी यही हुआ. 1000 रुपये का जो शॉपिंग चैलेंज था उससे मैंने ज़्यादा खरीद लिया. तो एनी वेज चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया. तो सबसे पहले मैंने लिया ये ब्यूटिफुल सा ईयरिंग. तो ये जो मैंने ईयरिंग लिया इसका प्राइस था 200 रुपी. तो मुझे बहुत प्यारा लगा और आजकल काफ़ी फैशन में है ये ईयरिंग. उसके बाद ये मैंने टॉप लिया. तो ये मैंने लिया 250 का, विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है. तो मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने ये ले लिया. इसके अलावा मैंने ये वाला जो पैंट है ये लिया मैंने. ये भी था 250 का, मुझे अच्छा लगा ये. तो इसकी जो प्राइस है वो है 250 रुपी. इसके बाद मैंने लिया ये वाला किट, मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें 3 कंपार्टमेंट है तो मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और इसकी जो प्राइस है वो है 150 रुपी. देन मैंने लिया ये वाला बैंड. मैंने 2 बैंड लिया और इसकी प्राइस है 50 रुपी का एक बैंड, हेयर बैंड. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया. तो ऐसा मैंने 2 बैंड लिया और 50-50-100. एंड लास्ट ये मैंने लिया कुर्ती, जो मुझे बहुत पसंद आया तो इसे मैंने ले लिया. और इसकी प्राइस है वहाँ 600 something वो लोग बोल रहे थे और मैंने इसे 600 में लिया. तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा ये, और 600 में ये काफ़ी सुंदर सा कुर्ती है. वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय.